Hello students, welcome back to maths class. Today we are going to solve Sudoku puzzle as a maths activity. आज हम एक Sudoku puzzle solve करेंगे जो आपकी maths की activity होगी कि Sudoku जो puzzle होती है उसको हम कैसे solve करते हैं या उसको solve करने के लिए कौन कौन से rule होते हैं या हमें उसे किस way में solve करना चाहिए, ये सब आज के video में हम सीखेंगे. So now let's start. So मैंने यहाँ पे कॉलम और रो वाइज यहाँ पे 16 बॉक्स बनाए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ओके, अब फर्स्टली हम यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे कॉलम वाइज एंड रो वाइज. मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किए हैं C1, C2, C3 एंड C4. ये सारे मैंने कॉलम वाइज एंड रो वाइज है R1, R2, R3 एंड R4. अब सबसे पहले रूल की अब हमें ये जो पजल सॉल्व करते हैं. ओके, पजल सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 1 to 4 नंबर हम यहाँ मैंशन करेंगे कॉलम में. रो में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा. ये हो गया कॉलम अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग एंड बॉक्स. बॉक्स कौन से? ये रे, तो यहाँ पे 4 बॉक्स बन रहा है. ये 4 बॉक्स, 4 बॉक्स ये है, यहाँ पे भी 4 बॉक्स है, यहाँ पे भी 4 बॉक्स है, तो ये एक बॉक्स बन रहा है 4 का. इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और उन नंबर्स का टोटल कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए. सो क्या रूल है? कॉलम वाइज एंड रो वाइज या बॉक्स वाइज कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए 1 to 4. और 1 to 4 नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि उनका टोटल कितना बने? 10 बने. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉलम वन में. यहाँ पे हिंट के लिए मैं यहाँ पे 1, 4 एंड 2 ये मैं हिंट के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. अब हमें इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रो वाइज, कॉलम वाइज और बॉक्स वाइज नंबर मेंशन करने. सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं 1. यहाँ पे मैंने मेंशन किया 2. अब कौन सा नंबर रिमेनिंग है? 4 और 3. यहाँ मैं मेंशन करूँगी 4, 3. ओके, तो यहाँ पे इनका टोटल 10 हो रहा है. 4 और 2 और 1, 3, 3 और 4, 7, 7 और 3, 10. ओके, अब हम आते हैं रो के अकॉर्डिंग. यहाँ पे 1, तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग. तो ये 1, 2, 3, 4 बॉक्स हैं. यहाँ पे 1 भी आए, 2 है, 4 है, तो कौन सा नंबर नहीं है? 3 नहीं है, तो हम यहाँ पे कितना मेंशन कर देंगे? 3, 3 और 4, 7, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10. यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 10 हो गया. नेक्स्ट अब इस बॉक्स में आते हैं. यहाँ पे कितना है? 4, 3. ओके, कौन सा नंबर मिसिंग है? 2 और 1 मिसिंग है, तो रो वाइज भी इसमें कितने मिसिंग है? 2 और 1, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 2, यहाँ मेंशन कर देंगे 1. अब हम इनका टोटल करते हैं. 4 और 3, 7, 7 और 1, 8, 8 और 2, 10. रो वाइज लेंगे 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10. अब हम आते हैं नेक्स्ट 1, 3. कौन सा नंबर मिसिंग है? 2 एंड 4. यहाँ मेंशन कर देंगे 2, यहाँ मेंशन करेंगे 4. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलम वाइज देखें तो, या हम बॉक्स वाइज देखें, यहाँ पे 2, 4 है, मिसिंग है 3, 1. ये हो गया 10. 4 और 1, 5, 5 और 3, 8, 8 और 2, 10. नेक्स्ट है को हम रो वाइज कंप्लीट करते हैं, तो रो वाइज कंप्लीट करने के लिए 2, 3 ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ हम करेंगे मेंशन 1, 10, 4. ये हो गया 10. 2 और 3, 5, 5 और 1, 6, 6 और 4, 10. अभी हमारा लास्ट है 4, 1 या 3. अगर हम यहाँ 3 मेंशन करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी 3 नहीं है. 4, 2, 1 इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग भी 3 मिसिंग है. बॉक्स के अकॉर्डिंग जाएं हम तो बॉक्स में 1, 4, 2 ऑलरेडी है, क्या मिसिंग है? 3. तो हम यहाँ कितना फिल कर देंगे? 3. यहाँ पे हो गया 10.
फोर और वन फाइव, फाइव और थ्री एट, एट और टू टेन। अब हम इनको आप फिर से काउंट कर लो, वन और टू थ्री, थ्री और फोर सेवन, सेवन और थ्री टेन, फोर थ्री और फोर टेन, सॉरी सेवन, सेवन और टू नाइन, नाइन और वन टेन, टू और थ्री फाइव, फाइव और वन सिक्स, टू नाइन, नाइन और वन टेन। नेक्स्ट टू और थ्री फाइव, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और फोर टेन। नेक्स्ट फोर और वन फाइव, फाइव और थ्री एट, एट और टू टेन। अगर हम बॉक्स के अकॉर्डिंग ले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये रो वाइज, कॉलम वाइज और बॉक्स वाइज इन सबका टोटल हमारा कितना आ रहा है, टेन आ रहा है। इट मीन्स हमारी ये जो पजल है ये सॉल्व हो चुकी है कि हम कैसे कॉलम वाइज, रो वाइज या बॉक्स वाइज हम कैसे नंबर्स को फिल करते हैं, या हमें कैसे ये चेक करना है कि हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कॉलम वाइज, रो वाइज या बॉक्स वाइज हमारा कोई नंबर रिपीट होता है, दैट मीन्स हमारा ये जो पजल है वो रॉन्ग है। अब ये सेम आपको अपनी नोटबुक में आप इसको सॉल्व करोगे, सेम ये जो पजल जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आप ये पजल अपनी नोटबुक में वीडियो की हेल्प से आपको ये सॉल्व करनी है। नेक्स्ट मैं आपको पजल एक होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको सेल्फ सॉल्व करनी है। ये जो आपके होमवर्क के लिए पजल है इसमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, नाइन बॉक्सेस है। पहले वाले जो पजल हमने सॉल्व की थी उसमें थे 16 बॉक्स। इसमें आपको रो और कॉलम वाइज इनका टोटल करना है 15। इसमें आपको बॉक्स जो मैंने आपको लास्ट में बॉक्स वाला भी बताया था कि बॉक्स के रूल के अकॉर्डिंग भी 10 होना चाहिए। यहाँ पे बॉक्स वाला कोई रूल नहीं है, आपको ओनली रो वाइज एंड कॉलम वाइज टोटल होना चाहिए 15। मैंने यहाँ पे टोटल नंबर 15 मेंशन भी किया है कि रो वाइज भी 15 होना चाहिए एंड कॉलम वाइज भी इनका क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये आपको मार्कर से मेंशन करके दिया है। आप इसको और कलरफुल बनाने के लिए जो पेपर होते हैं, कलरफुल चार्ट पेपर होते हैं, उनका सीट का आप यूज़ करके आप सुंदर सा ये पजल बना के फिर जो भी आप नंबर मेंशन करते हो पेपर से, वो कटिंग करके उन पे आप नंबर मेंशन करके उनको यहाँ पेस्ट करके आप उसको और भी कलरफुल और सुंदर बना के मुझे सेंड करना। तो ये जो आपकी होमवर्क की पजल है ये आपको मेरे को सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि मैंने आपको जो पजल एक्सप्लेन की है वो आपको बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड हो गई है। आप वो पजल अपनी नोटबुक में सॉल्व करना, जो मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया है वो भी पजल आप सॉल्व करके फोटो क्लिक करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।